फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी लोग? तो अभी टाइम हो रहा है 11:15। आज मैं बहुत लेट जगी हूँ, तो अभी जगने के बाद 12 बजे लभ्या की क्लासेस होती है, तो लभ्या को मैंने ब्रश व्रश करवा दिया है एंड मैंने अपना डस्टिंग वगैरह जो था वो करके नहा धो लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता लेने के लिए। 11:15 हो गया तो मैं फटाफट जाके खुद भी नाश्ता करूँगी, लभ्या को भी कराऊँगी, क्योंकि 12 बजे उसकी क्लासेस है, फिर लेट हो जाऊँगी। तो मैं आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर पर मिलूँगी, ठीक है? सो अब मैं आ गई हूँ किचन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बर्तन चढ़ा लिया। इसमें सबसे पहले मुझे दूध बॉयल करना है, जिसके लिए लभ्या को मुझे ब्रेकफास्ट देना है, अपने लिए चाय लेना है। और गर्मी इतनी है कि आप पसीना देख सकते हो, जबकि मैं अभी नहा के आई हूँ और नहाने धोने के बाद इतना पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे दूध उबलने दे दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लभ्या के लिए चपाती एंड उसमें एक बनाना, क्योंकि सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि लभ्या को मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं दूँ, सुबह सुबह उसको बिल्कुल ही हेल्दी ब्रेकफास्ट दूँ ताकि पूरे दिन वो एनर्जेटिक रहे। तो बस उसके लिए मैं सुबह सुबह उसे उसके मनपसंद चीज़ें कुछ भी नहीं देती हूँ। वो बहुत बोलती है मुझे ये बना दो वो बना दो, बट मैं कुछ ऑयली या फिर कुछ भी इस टाइप की नहीं देती हूँ जो उसको नुकसान करे। उसे मैं दूध, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, रोटी, केला, इस टाइप की कुछ चीज़ें देती हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी होती है। तो बस मैं वही उसे दूंगी और दूध उबल जाए, और अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ एंड चाय ले लेती हूँ साथ में, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। ज़्यादा बात करूँगी तो फिर टाइम निकल जाएगा। जब तक वहाँ पे मेरे दूध उबल रहे हैं, खाली तो किचन में खड़े होने से मैं यहाँ पे जैम्स जो आते हैं इस टाइप के, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं वो खा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। और अगर मैं कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं ले पाई तो आज मैं चाय और बिस्किट ही खा लूँगी, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही है। आप पसीना देख सकते हैं, फेस पे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। तो गर्मी बहुत है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और किचन में इतने टाइम खड़े रहना नहीं हो पाएगा। तो फटाफट यहाँ से करते हैं, इधर अपने रूम चलते हैं, वहाँ पे एसी चला के चाय पिएंगे एंड बिस्किट खाएंगे, ठीक है? लभ्या को बस मैं खिला देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट लभ्या के ले लिया है, और अपने लिए बिस्किट भी ले लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती, टाइम नहीं है उतना। मैंने सोचा था कुछ बना लूँगी, पर गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ बेडरूम, वहाँ पर यहाँ पर मेरा चाय भी रेडी हो गया है, येलो हो गया, तो लभ्या का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ बेडरूम। बेडरूम में आई थिंक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि लभ्या देख रही है कंप्यूटर पे अपना कुछ प्रोग्राम, यानी कि कार्टून वगैरह। तो वहाँ पे अगर मैं बनाऊँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, और उसे मैं बोलूँगी बंद करने, तो वो बोलेगी मुझे नहीं खाना है फिर, क्योंकि वो अगर वो खाएगी तो देखते हुए खाएगी, नहीं तो वो नहीं खाएगी। तो मैं वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है। सो मैं रूम आ गई हूँ, और यहाँ पे लभ्या का चल रहा, तो यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने लभ्या को वहाँ पर रख दिया, और लभ्या को मैं खिलाने के लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अट्ठर मट्ठर इधर उधर करेगी, ड्रामा करेगी, फिर उसके बाद खाएगी। तो पहले वो ड्रामा देख लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। सो मैं यहाँ पर बैठी हूँ लभ्या को खिलाने के लिए, और बहुत शोर आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा आई थिंक। तो लभ्या को यहाँ पर बैठी हुई है लभ्या, पहले मैं खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा बात करूँगी आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो चुका है। सो फ्रेंड्स, लभ्या का ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया फिनिश, और अब मैं लूँगी, वो देखिए मेरा चाय वहाँ पे रखा हुआ है, अब मैं लूँगी अपना चाय। और आप देख सकते हैं रूम आते ही पसीना विश्व मंत्र हो गया, क्योंकि फैन, बेडरूम एंड एसी है ही कुछ ऐसी चीज़ें, किचन में जाओ पसीना तो बहता ही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इसी तरह से थोड़ी देर कर करके मैं आपसे मिलती रहूँगी। आप ये मत सोचना कितना ही थोड़ी देर करती है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो मैनेज करना। चाय नहीं हुआ पिया हुआ, पर मैं चाय के साथ साथ बहुत सारे काम लिए, लभ्या को भी मैंने रेडी कर दिया, रेडी करके वो लेट गई है क्योंकि ड्रामा चालू रहता है जब मैम आने वाली रहती है। तो बस अब मैं चाय पी लेती हूँ, मेरा चाय देख सकते हैं कि फिनिश नहीं हुआ है, और तो इस तरह से देखना पड़ता है। और फिर अब मैं आप लोगों से मिलूँगी लभ्या के क्लास के बाद, क्योंकि अभी पहले लभ्या की क्लास होने हैं, उसे इसी फ़ोन पर क्लास होगा इसका। तो जब तक लभ्या के क्लास होंगे तब तक तो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्लास के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, तब तक के लिए वेट करिए, आती हूँ ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया 2, आप देख सकते हैं टाइम 2 बज गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम मिलता है कि 2 बजे मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो
तो अभी लव्या की छुट्टी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई थी लेकिन थोड़ा सा लव्या को मैं कुछ बताने लगी थी तो उसमें लेट हो गया, और अब मैं जा रही हूँ किचन, बनाऊंगी खाना। तो देखते हैं कुछ सिंपल सा फटाफट बनाएंगे क्योंकि 2 बज गया है, खाना बनते बनते 1 घंटा तो ज़रूर लगेगा, 3 बजेंगे। तो फटाफट मैं बनाती हूँ, कुछ शॉर्टकट में बना के निपट लूँगी। तो चलिए देखते हैं किचन क्या बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन, एंड अब मैं किचन में देखती हूँ क्या फटाफट सब्जी, एंड चपाती बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि चपाती बनाने लगूंगी तो फिर आटा गूंदो, बेलो, एक ही पराठे, बहुत टाइम लगता है। तो राइस बना लेती हूँ एंड साथ में सब्जी बना लेती हूँ, एंड सब्जी कुछ अच्छे से ग्रेवी वाले, रस्से वाले बनाएंगे ताकि बिना दाल के काम चल जाए। सो मेरे पास सीताफल है, बैंगन है, लौकी है, भिंडी है, बट वो सब कुछ नहीं बनाऊंगी, ऐसा कुछ ग्रेवी वाले बनाती हूँ जिससे कि काम चल जाए, क्योंकि वो जो भी सब्जी है सारी ड्राई वाले ही अच्छी लगते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करती हूँ, चना दाल एंड आलू, उसकी कढ़ी वाली, कढ़ी जो होती है रस्सी वाली सब्जी, वो बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आलू को पील कर लेती हूँ एंड चना दाल निकाल के उसको वॉश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आलू और चने दाल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चना दाल अच्छे से धो लिया है, और चना दाल को मैं क्या करूँगी, 2-3 सीटी आने तक इसे अच्छे से उबाल लूँगी क्योंकि टाइम नहीं है उतना मेरे पास, और यही होता है डेली मेरे साथ क्योंकि लेट जगने की वजह से सारा रूटीन इधर उधर हो जाता है। और मैं क्या करूँगी, आलू को अच्छे से छील दूँगी, छीलने के बाद मैं इसे उबाल लूँगी ताकि फटाफट ये 2 सीटी में हो जाए और मैं सब्जी बना सकूँ। डेली अगर लेट जगो ना, आपका पूरा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो बस अब मैं फटाफट कर लूँगी जैसे कि चावल और सब्जी मैं बना लूँ। आलू में सीटी आएगा तब तक मैं इधर चावल को धो लेती हूँ और वो भी चढ़ा देती हूँ ताकि फटाफट दोनों तरफ मेरा दोनों काम हो जाए। तो यहाँ पे चावल को धो के चावल भी मैंने चढ़ा दिया है जिस फटाफट हो जाएगा। और इधर अपनी सब्जी की जो भी तैयारी होती है वो मैं फटाफट कर लूँगी, जैसे कि लहसुन वगैरह को पील करना, प्याज वगैरह, वो सब मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे लहसुन वगैरह कूट लेते हैं तब तक। इसमें लौंग डाल रही हूँ मैं, जो कि मैं अपनी सब्जी में डेली दाल डालती हूँ, इससे क्या होता है ना काफी टेस्टी बन जाती है। थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया, उसको मैं अच्छे से कूट दूंगी। ये दालचीनी का टुकड़ा है और ये एक इलायची है, ये भी डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बैंगन के 2-4 मैं पीसेस, उसको पचका बोलते हैं, वो मैं काट रही हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है लहसुन वाले, तो मैं ये ज़रूर बनाऊँगी। मुझे सिर्फ चावल और सब्जी पसंद नहीं होता, उसके साथ आप कुछ भी आलू के मुझे दे दो पकौड़े, या फिर प्याज के पकौड़े डाल दो, या फिर बैंगन के डाल दो, तो ये तो मैं ज़रूर खाऊँगी। और ये मैं बना लेती हूँ, और इसको आप लहसुन के साथ अगर बनाते हो ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गया, इसे मैंने उतार दिया, और अब मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ी फटाफट। मैंने तेल डाल दिया है, और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, कुकिंग रेसिपी बस वीडियोस है तो उस पर थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐड करना बनता है। तो बस मैं बाकी ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो हर किसी को आती है, तो आपको भी आती होगी। और इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम डाल देंगे ये वाले जो मैंने जैसे कि वो आधा हमारा फ्राई हो चुका है बच, वो जो है बैंगन के पकौड़े, उस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ये लहसुन, ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल गजब का हो जाता है। ज़्यादा नहीं डालना होता, बस थोड़ा सा डालना है।
ताकि उसका टेस्ट जो है ना उससे चार चांद लग जाएगा। आप कभी टेस्ट करिएगा बना के, बैंगन के पकौड़े हैं या फिर आलू के पकौड़े हैं, जो भी पकौड़े हैं उससे आप लास्ट में थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिएगा और फिर आप देखिएगा। और ये देखिए डालते ही खुशबू जो है फैलने लगी। कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए और इसे अच्छे से पकने देंगे। डाल देते हैं उसके बाद डाल देंगे नमक। सिंपल सी सब्जी बन रही है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये ना बोलो आपने क्या बनाया, आपने दिखाया नहीं है। सो बस इसमें हल्दी डाल देंगे, उसके बाद क्या डालेंगे, ये जो हमने कूट के रखे हैं सारे मसाले, ये सारे इसमें चला गया। और इससे टेस्ट जो आता है पूछो मत, जिसमें कि दालचीनी था, जीरे, बड़ी इलायची, काली इलायची, लौंग थे, काली मिर्च थे, वो सब डाल दिए। और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो आलू बॉईल किए हुए हैं एंड चना। इधर मेरा चावल भी हो गया और अब हम इसमें ये पीसेस वाले आलू सीधे ऐसे डाल देंगे। ये देखो क्योंकि बहुत गर्म है और बहुत गर्म हो तो फिर टच करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल इस तरह से हम डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इसी से इसको कट कर देंगे। ये लो, इससे क्या होता है ज़्यादा आपका मैच भी नहीं होगा और अच्छे से ये कट भी हो जाएगा। बस इस तरह से इसको हर पीसेस पीसेस में काट देंगे इसको। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देखिए चना थे, ये भी हम डाल देंगे। हाँ ना, तो मैंने पानी भी निकाल लिया एंड अब मैं इसमें डालूंगी ये मैगी मसाले, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद और काफ़ी स्पाइसी होती है। आप कोई मसाला यूज़ ना करो, मैगी मसाले यूज़ करो तो आपकी सब्जी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो बस इसमें मैं ये मैगी मसाले यूज़ करने वाली हूँ और काफ़ी अच्छी टेस्टी आती है। आप एक बार चेक करिएगा मैगी मसाले से अपनी सब्जी को बना के, तो मेरे एक पैकेट तो एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं और ये 5 रुपये का आता है और इसमें इतना कम रहता है ना कि एक बार में आप बस इसे एक ही सब्जी में यूज। लाल हो गया है तो सब्जी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी में कौन सा डाल रही हूँ ये आप लोग देख लीजिए। जो चावल का पानी मैं निकालती हूँ इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि चावल का पानी वैसे हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसे फेंके नहीं, इसे यूज़ कर लें। तो अभी तो वैसे भी हम सब्जी बना रहे हैं तो ये सब्ज़ी में हम यही पानी यूज़ कर लेंगे, और अगर आप दाल बनाते हैं तो दाल में इस तरह का पानी यूज़ कर लेंगे, काफ़ी अच्छा। बस हमने ये डाल दिया 10 मिनट के लिए और गैस बिल्कुल कम कर देंगे, तब तक हमारी सब्जी पकेगी। तब तक हम अपना जो भी है प्याज वगैरह काट लेती हूँ, जो कि मेरे खाने में होना ही चाहिए, प्याज तो इम्पोर्टेंट है मेरे खाने में। तब तक मैं प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो 10 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी मेरा अच्छे से उबल गया और अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, नहीं तो सारे रस इसके सोख लेंगे उसमें। तो अब मैं बंद कर देती हूँ गैस को और इसे 10 मिनट तक हम इसे नहीं हटाएंगे और इसे छोड़ देंगे ताकि जो भी इसका खुशबू वगैरह सब इसमें अच्छे सेट हो जाए। और तब तक मैं कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें, क्योंकि मैं रुक गई हूँ काफ़ी पसीने पसीने, थोड़ा सा बात करूँगी तो हो सकता है पसीना मेरा सूख जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर दें, तब तक उधर का सब्जी जो है फाइनल टच ले लेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने हॉल में और बाहर का मौसम काफ़ी 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 गर्मी वाला है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा उमस है। सुबह होती है जैसे ही रूम से बेडरूम से बाहर आते हैं लगेगा कि पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, इतनी गर्मी अभी के टाइम पे हो रही है, बहुत गर्मी है। और आप फटाफट खाना खाऊँगी और आप टाइम देखिए, सॉरी आप टाइम देखिए, 3 बजने वाले हैं और अब तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। और सुबह आपने देखा था
काफ़ी लेट में जगी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मैं अपने लिए चाय बिस्किट ले आई और चाय बिस्किट खा के टाइम पास कर ली और अभी तक 3 बज रहे हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है। सो फटाफट, बहुत भूख लगी है, फटाफट खाना बनेगा और खाऊंगी, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो चलिए, अभी 10 मिनट हो गए और अब मैं लगा लेती हूँ खाना, काफ़ी भूख लगी है। सो यहाँ पर मैं अब खाना लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया राइस और मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ सब्जी भी निकाला था जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं वो भी ले रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने बैंगन का बनाया था वो टूट गए, वो इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि वो टूट जाते हैं, वो आपको ठीक से रह ही नहीं सकते, तो ये टूट गए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे, और मेरा वो फेवरेट प्याज जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए खाना में, तो मैंने प्याज कट कर लिया। और एक मैंने ये बॉयल पोटैटो निकाल के रखा था जो लब्या के लिए, लब्या को इस पर थोड़ा सा मैं नमक ऑयल डालूंगी तो लब्या खा लेगी। लब्या को सब्ज़ी उतना नहीं पसंद होता है, उसको बहुत तीखा लग जाता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो लब्या के लिए मैंने पोटैटो निकाल के रख दिया था। और बस हमारा यहाँ पे खाना लग गया है। उसे घी देना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी भी डाल देती हूँ और मैं घी अपनी सब्ज़ी में डाल देती हूँ, इससे टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं, तो घी भी मैंने डाल दिया। और उसके साथ माय फेवरेट अचार या सॉस जो भी है, तो यहाँ पे मेरा फेवरेट सॉस है, क्या हो सकता है बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा सा कौन सा फेवरेट सॉस हो सकता है मेरा। मेरा फेवरेट सॉस है सेजवान सॉस, जिसके बिना मेरा खाना हजम नहीं होता है मुझे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेजवान सॉस ले लूँगी और इसके बाद मेरे खाना में लग जाएगा 4 चांद, राइस, फ्राई सब्जी, बैंगन का बचका, प्याज, सिजवान सॉस, रसेदार सब्जी, आह मज़ा आ जाएगा। टाइम नहीं भी हो तो आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके एकदम चटपटा सा लजीजदार खाना बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी थाली लग गई है, आप देख सकते हैं मेरी थाली में क्या सब है, राइस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इसे खाने वाली, क्योंकि मुझे लगी है काफ़ी तेज़ भूख, तो मैं अपनी इस खाने को करूँगी इंजॉय। और खाना खाने के बाद देखती हूँ, अगर पेट ज़्यादा नहीं भरेगा, थोड़ा सा पेट हल्का रहेगा, तो आप लोगों से ज़रूर बातें करूँगी। अगर पेट भर गया, बात करने का मन नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों से मिलूँगी डायरेक्ट इवनिंग में, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखती हूँ, तो इवनिंग में मिलूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले खा लेते हैं अपना खाना, चलते हैं टीवी के पास, टीवी भी देखेंगे एंड खाना भी खाएंगे, मज़ा तो तभी है ना खाना खाने का, जब तक टीवी ना चले खाना खाने में मज़ा नहीं आता है। ये फ्रेंड्स खाना करते हैं एंजॉय, क्योंकि खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, खाना थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है, क्योंकि सारा कुछ आपके सामने बनाया और टेस्ट ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो टेस्ट करके बताती हूँ। और यहाँ पे मेरे हेयर काफ़ी अच्छे से फोल्ड किए हुए रहते हैं, इसलिए मैंने ये लगा रखा है ताकि मेरे हेयर खुले नहीं, और इससे काफ़ी हेयर जो है अच्छे से फोल्ड रहते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है, क्लच वगैरह लूज़ हो जाते हैं, तो फिर गर्मी में तो एक भी बाल बाहर आए तो बड़ा ही होने लगता है। सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। क्यों अच्छी बनी है पता है, इस पर ना लहसुन, दालचीनी, लौंग, इलायची मैंने पहले कूट के डाला था, एंड साथ में जो मैजिक मसाला हमने यूज़ किया, मैगी मैजिक मसाले, वो तो 4 चांद लगा देता है। मम्मा टीवी काफ़ी अच्छी बनी है, खा के मिलती हूँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तभी जो मैं लंच करके सोई, अभी मैं जगी हूँ और अभी का टाइम हो रहा है, वो देखिए 6 बज गए हैं टाइम, और लब्या के वैसे कि लब्या बोली है मैगी बना दो मैगी बना दो, तो अभी मैं जगी हूँ और जा रही हूँ लब्या के लिए मैगी बनाऊँगी एंड अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी। और मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं ये देखिए, ये सारे मेरे को फोल्ड करने हैं, सारे बेडशीट वगैरह यहाँ पे, और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो चावल का एक्चुअल थैले, क्या बोल रही हूँ मैं, वो चावल आया था मार्केट से, तो उसको मैंने साइड में करके रखा है ताकि 2-4-5 दिन उसे यूं ही छोड़ दो, उसके बाद उसे उठा के अंदर रखेंगे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लब्या के लिए मैगी बनाऊँगी एंड अपने लिए चाय बनाऊँगी, तो चलिए फिर से किचन ही जाना पड़ेगा।
मैं किचन आ गई हूँ और तभी जो मैं खा के सोई तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया। सारे मेरे सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं और अभी मैं लव्या के लिए पहले मैगी बनाऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी या फिर पहले बर्तन ही साफ़ कर लूँगी फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि काम हो जाता है ना, फिर आराम से बैठ के चाय पियो, मजे करो, फ़ोन चलाओ, सर पे हेडेक नहीं रहता है। और अभी जब तक मैं बर्तन बर्तन ना क्लीन कर लूँ कुछ भी करने में ठीक नहीं रहना, तो पहले मैं लव्या को दे देती हूँ मैगी बना के, फिर जाते हैं अपने लिए बनाएंगे चाय या बर्तन, दो में से एक काम करेंगे। फिर मेरा मन हो गया पहले मैं चाय ही बना लूँ अपने लिए, यहाँ पे मैं अदरक कूट के डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि बिना चाय का एनर्जी नहीं आती है, तो पहले बना के चाय पियेंगे उसके बाद कोई भी काम करेंगे। यार काम तो होते ही रहेगा, पहले तो चाय पी लो आराम से एंड लव्या को मैगी दे दूँ फिर काम करेंगे। मैं आ गया है, अब इसमें डाल देते हैं हम दूध, दूध के बाद डालेंगे हम चाय पत्ती। पहले इसी नन्नी सी प्यारी मैंने छोटी बना है और यहाँ पे मेरी छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी बेबी, देखो छोटी बना हुआ है। वाह देखो छवलो इसने छोटी बना, छोटी क्या बना है लव्या? छोटी छोटी इसने, देखो छवलो इसने छोटी बना है। उबल जा उबल जा उबल ही जा, तुम सब उबल रहा, तू क्यों ना उबलेगा, तू भी उबल जा। काम होता जाता है उतना सूट नहीं कर पाती हूँ, कितना आप लोग को दिखाऊंगी, अगर उतना दिखाने लगी तो वीडियो हो जाएगा इतना बड़ा। चाय मेरा बन गया है और चाय मेरा कहाँ पे बन गया है, तो ये रहा मेरा चाय, गर्मा गर्म स्पेशल स्पेशल चाय, जो कि मेरा लव्या का मैगी जिसे कि मैंने दे दिया है बॉयल होने के लिए, और सिंपल मैगी खाती है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं, इसी में मैं थोड़ा सा केचप डाल दूँगी, मैगी मसाले डाल दूँगी एंड पोटेटो डाल दूँगी, बस हैप्पी वो, उसको मैगी दे दूँगी। अब भी दे रही हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है। अब आपको ये कैसा लगता है खाने में? अच्छा, अच्छा लगता है। थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे मैंने मंगाया था कल चीनी, सो गाइज यहाँ पे मैंने आज मंगाया है चीनी एंड चाय पत्ती, और वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ग्लूकॉन डी है एंड उस पर उसके साथ एक फ्री टिफिन बॉक्स है, लंच बॉक्स है बच्चे के स्कूल जाने के लिए, उसको मैंने कहाँ पर छुपा के रखा है। अब आप सोच रहे होंगे गुड़िया यहाँ भी क्यों रखी है छुपा के, मैंने इसलिए रखा है छुपा के, इसे हम वॉश कर नहीं सकते, सैनिटाइज़ कर दिया मैंने, बट सैनिटाइज से भी मेरा मन नहीं मानता, तो सैनिटाइज़ करने के बाद मैंने इसे टेबल के अंदर रख दिया ताकि लव्या से ये दूर रहे और इसे मैं दो तीन दिन यूं ही छोड़ दूं, क्योंकि चीनी भी मेरे पास है, चाय पत्ती भी है, ग्लूकॉन डी भी थोड़ा सा, बट मैंने यूं ही एडवांस में मैं मंगा लेती हूं कि ऐसा ना हो कि अचानक से मेरा कुछ ख़त्म हो जाए और मुझे मार्केट भागना पड़े, तो पहले से ही हम मंगा के रख लेते हैं, इसलिए इसे हमने पहले से ही मंगा के रख लिया है और यहाँ पर छुपा के रख दिया है लव्या ना देखे। करिए लव्या खेलो खेलो, लव्या की खेलने का जगह देखिए कितना अच्छा इसने। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लव्या का मैगी हो गया है रेडी, अब हम कर देते हैं गैस को बंद और लव्या को दे देते हैं मैगी, इसको मैं डाल दूँगी बिल्कुल इसमें और इसको मैं ऐसे कर दूँगी और लव्या के पास लेके जाऊँगी और लव्या को मैं प्यार से बोलूँगी लव्या मेरे को भी दे दो खाने के लिए, बोलेगी नहीं मम्मा नहीं दूँगी मैं, ऐसे थोड़ा सा देसी भाषा में बोले तो पटाना सटाना करूँगी और फिर एक दो चम्मच मुझे वो दे देगी खाने के लिए, सो क्योंकि देख के तो मैगी वगैरह नहीं जाता ना, फिर भी मैं तो खा ही लूँगी एक दो चम्मच। और यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी है, तो चलिए एक चम्मच ले लो। ओके ओके थैंक यू, देखिए वो समझ गई मेरी मैं आप लोगों से बोल रही थी वो समझ गई, ठीक है मुझे लगा नहीं समझेगी पर वो समझ गई और वो मेरे को देने के लिए तैयार है, सो थैंक गॉड मुझे इतनी प्यारी सी बेबी देने के लिए। एंड चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुआओं में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।